हेलो फ्रेंड्स, कैसी बैठी हैं आप सब। भोजपुरी रसोई ब्लॉग में आपके बहुत बहुत स्वागत बात है फ्रेंड्स। आज हम आपके ब्रेड की एकदम नई और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करी जाती है। बहुत ही झटपट बन जाला, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेला और से टेस्टी होकर के साथ साथ हेल्दी भी बा। तो चलिए एक बनाल स्टार्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता के बनाए खाती हम यहाँ पर एक बारीक कटल टमाटर, दो बारीक कटल गाजर, आधा शिमला मिर्च बारीक कटल और यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज के बारीक कट कर ले लाएँ। दो से तीन हरी मिर्च भी कट कर ले लाएँ और यहाँ पर हम 40 ग्राम पत्ता गोभी ले ले आएँ जो कि हम बारीक बारीक कट कर दे लाएँ। और यहाँ पर आप देख सके लें, चार हम बड़े साइज के ब्रेड ले ले आएँ। तो आप एक जगह पे ब्राउन ब्रेड भी ले सके लें, हम वाइट वाला ब्रेड ले ले बाटी। और यहाँ पर आप देख सके लें, हम चीज़ ले ले बाटी और यहाँ पर थोड़ा सा बटर ले ले आती। और यहाँ पर एक कटोरी में चार चम्मच हम मेयोनीज ले ले हैं और चार चम्मच ही हम टमाटो केचप ले ले हैं। तो यही दोनों चीज़ हमने के बराबर लेवे के है। तो चलिए हमने के फटाफट से बनावे के। तो सारा सब्जी के हमने के एक पतीला में डाल देवे के है, आप कोनो भी बर्तन ले सके ली। सारा सब्जी डालने के बाद फ्रेंड्स हमने के एमन पत्ता गोभी के भी डाल देवे के है। सारा सब्जी डालने के बाद अब हम एमन डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हमने के लाल मिर्च पाउडर भी डाल देवे के है और जो हमने के मेयोनीज ले रही है सारा मेयोनीज के हमने के एमन डाल देवे के है। अब हम डाल रहे हैं एमन टमाटो केचप। तो टमाटो केचप हमने के आधा ही डाले के है, आधा हमने के चटनी के रूप में कर यूज कर जाए। अच्छी तरीका से हमने के सारा चीज़ के मिक्स कर देवे के है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें के बढ़िया से मिक्स कर दिल बाटी। तो चलिए हमने के अपन गैस की तरफ चल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तवा रख दिल बाटी गर्म होके के, गैस के फ्लेम हमने के लो रखे के और ये पर हमने के बटर लगा देवे के। अगर आपके पास बटर ना बात है आप एक जगह पर तेल के भी यूज कर सके नहीं। अब हम यहाँ पर लेते हैं एक ठो ब्रेड और हमने के स्टफिंग ये पर ये तरीका से लगा देवे के। अगर आपके ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो आप स्टफिंग ज़्यादा लगा सके नहीं। तेज तरीका से अच्छे से चारों तरफ हमने के स्टफिंग के लगा देवे के और ऊपर से अब हमें डालत है चीज़। तो आप ये तरीका से चीज़ ग्रेट करके डाल देवे के। अगर आपके ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप चीज़ बढ़ा के भी डाल सके नहीं। ऊपर से हमने के ब्रेड लगा देवे के और रख के ये तरीका से हमने के प्लेट धह के कोनो भी बड़ा चीज़ रख देवे के। ऐसे ही हमने के छोड़ देवे के एक से दो मिनट तक लो फ्लेम पे पके खाती। तो ये देखी दो मिनट हो चुकल बा, प्लेट हटा देवे के और हमने के एक पलट देवे के। और पलटले के बाद फ्रेंड्स फिर से हमने के प्लेट रख देवे के और प्लेट के ऊपर हमने के यही तरीका से कोनो भी भारी चीज़ रख देवे के। एक से दो मिनट तक हमने के ये साइड भी पकाए के। तो देखी दो मिनट हो चुकल बा और आप देख सकेली कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुकल बा। तो थोड़ा सा हमने के अलट पलट के एक से दो मिनट तक और सेक लेवे के ताकि दोनों तरफ से ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो यही देखी फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमने के ब्रेड के नाश्ता बन के तैयार हो चुकल बा। तो फ्रेंड्स, सेम यही तरीका से हमने के बाकी के ब्रेड के नाश्ता भी बना के तैयार कर लेवे के। बहुत ही झटपटी बन के तैयार हो जाला है कि बनौले में कोनो भी झंझट ना आई है। तो जब भी आपके कुछ खाए के मन करे तो आप फटाफट से 5 मिनट में एक बना के तैयार कर सके नी। तो फ्रेंड्स, कैसन लगल आज के रेसिपी। अगर आज के रेसिपी अच्छा लगल होके तो नीचे एक लाइक के बटन दियल गल बा, आप ओके प्रेस कर ले। और नहीं अच्छा लगल होकर तो आप डिसलाइक भी कर सके ली। तो देखें ये नाश्ता भी हमने के बन के रेडी हो चुकल बात। हमने के निकाल देवे के है और आप चाहें तो एक लम्बा में या फिर तिरछा में कट करके एक टमाटो केचप चटनी के साथ ही इंजॉय कर सके ली। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेला। अगर आप मेहमान के सर्व करते हैं तो आप देख सके ली चटनी के हमें यहाँ पर फ्लार भी बना दे ले आटी। तो ये तरीका से चटनी के फ्लार बना के आप मेहमान के सर्व कर सके ली। ये तरीका से आप मेहमान के सर्व करब तो आपके मेहमान के ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आप ये रेसिपी के एक बार ज़रूर ट्राई करब। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नया बाटी ऐसे ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी देखल चाहते तो हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर देव और साथ में बेल आइकन के भी प्रेस कर देव। तो फिर मिल जाए अगले वीडियो में कोनो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।